कौन सा कैप्टन ह्यूमन ह्यूमन एच यू एम ए इससे क्या कहते हैं ये जो राइट एंगल नहीं है जो मैंने आपको राइट एंगल बताया था जिस तरह उसको मसल को साइड पे करते हैं ना डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्ट करने के लिए इसको भी डिटेक्ट करने के लिए ये बोन से रिलेटेड है ना तो इसलिए बोन में ऐसे यूज होता है ठीक है ये बोन निबलर है क्या बोन निबलर न्यूक्लियस ये मुख्तलिफ साइज में होंगे बोन निबलर हां जी बोन निबलर फंक्शन में बता दूंगा ना साथ में जी फंक्शन के कस्टमर्स का करना क्या है बोन की ग्रोथ अगर फ्रैक्चर हो जाए ना तो बोन की ग्रोथ हुई हो ना उसको ग्रोथ को जो आगे से ना वो बिल्कुल प्लेन करने के लिए ये प्लायर है प्लायर प्लायर दोनों प्लायर है ये नोकदार है प्लायर दोनों प्लायर प्लायर वायर डाल देते हैं ना पेशेंट के बोन में और जब वायरिंग को निकालना होगा तो अब इसको यूज करते हैं ये पेरियोस्टियम एलिवेटर है पेरियोस्टियम एलिवेटर देखो पेरियोस्टियम एलिवेटर पेरियोस्टियम लेयर है ना उसको एलिवेट करने के लिए पेरियोस्टियम पेरियोस्टियम एलिवेटर एलिवेटर ये बोन निबलर है ये बोन कटर है वो बोन निबलर है ये बोन कटर है ये बोन कटर है सही तो इन दोनों का फंक्शन सेम बोन न्यू नहीं इससे कटर का एक कटर का मतलब एक जैसा नहीं करने के मुझे बता रहा ये बोन होल्डिंग है बोन दिखाएं ठीक है ये बोन होल्डिंग है ना ये भी है और ये भी है ये लार्ज में ये लार्ज में ये लार्ज सर्जरी जो होगी ना मतलब फीमर का फ्रैक्चर हो गया टीबिया का हो गया उसमें ये बड़ी बोन है इसके लिए ये बड़े इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे रेडियो चलना हो गया सुपरा कंडेलर हो गया ठीक है उसमें ये यूज करेंगे ठीक है मतलब बोन को जो है ना पकड़ने के लिए ठीक है ये गूज है क्या गूज गूज से क्या करते हैं इससे जो है ना बोन का जब ग्राफ लेते हैं ना ज़्यादातर उसमें ये यूज करते हैं ग्राफ्टिंग के लिए स्किन ग्राफ्टिंग भी यूज करते हैं नहीं वो और चीज़ है स्किन ग्राफ्टिंग और चीज़ है बोन का भी ये भी पेरियोस्टियम एलिवेटर है ये फाइन है ये लार्ज है वो फाइन है ये लार्ज है हाँ जी ये फाइन है ये सबसे फाइन ये सबसे फाइन ये मीडियम कर लें ये लार्ज कर ये ऑस्टिटोन है ऑस्टिटोन और इसमें चीजल नहीं है वो मैं आपको इसका डिफरेंट बता देता हूँ ये ऑस्टिटोन है बोन को ना तोड़ने के लिए ठीक है इसको इस तरह से फिक्स करके वो किसी चीज से मारते हैं ये बोन को ठीक है इसको इसके लिए ये तो ऊपर रखेंगे इसके जमीन करेंगे इसका भी आपको आइडिया होगा इसको क्या क्या ये आपको बताया तो है पहले ये बोन निबलर है ये फाइन है और ये मीडियम इसकी ना थोड़ा सा बना हेलो पकड़ लो कोई बात नहीं पकड़ लो तो आगे कर दो आगे दिल की क्वाइट हो गई और अंदर से सही अंदर से बोन निबलर उन्होंने रखो ये फाइन है और ये इधर लगना मीडियम का है देखें इसका साइज आगे मुंह देखें इनका बोन निबलर तो फिर प्लायर को फाइन है और ये फाइन है और ये मीडियम है ये रिडक्शन क्लैंप है ये भी बोन होल्डिंग है जो रेडियस अल्ना का फ्रैक्चर होते हैं ना फिंगर के हो गए इस तरह छोटी बोन मिस्ट्राइड 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 प्रोसेस इसको सेल्फ रिटेनिंग अक्सर इसको सर्जन जो ना सेल्फ रिटेनिंग कहेंगे अक्सर जो है वो इसको मिस्टाइड वो बड़े वाला भी होता है इसमें मिस्टाइड मिस्टाइड आगे मिस्टाइड डिटेक्टर और कुछ एक बार इधर का पिनर भी ये क्या था और बोलेगा नहीं अभी कोई नहीं इधर भी दिखा दे सेम तो ये वो ये फाइन था नहीं नहीं ये सेम तो नहीं ये क्या इसका नाम दोबारा बता दे रिडक्शन क्लैंप और ये भी रिडक्शन क्लैंप हां रिडक्शन इसका क्या फीचर है बताएं इसका ये बोन होल्डिंग है ये स्मॉल है हां ये स्मॉल निबलर बोन होल्डिंग एक इंस्ट्रूमेंट होगा वो इसमें सेट में नहीं है चीजल होगा
ठीक है, उसकी ये जो शेप है ना, उसके एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर दो शेपें बन, ठीक है, ये भी शेप होगी और दूसरी उसकी चीजल वाली भी होगी, लेकिन उसमें नहीं है वो। एक बार रिव्यू कर लूं। ये ह्यूमन डिटेक्टर है, ये आप लिख सकते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है, ठीक है। ये प्लायर हो गए, पेरिओस्टियम, ये बोन निबलर, बोन कटर, निबलर, ये बोन निबलर, बोन निबलर, हाँ, बोन निबलर, ये वो पड़ेगा, निबलर वो है, जो निबल होंगे ना, आप वैसे गैस करते हैं कि निबलर का जो साइज है वो और है, कटर का और है, ये बोन को कट करने के लिए है, पीछे भी है, ठीक है, जो एम्पोटेशन करते हैं ना, मसलन नाखन की, नाखन की होगी, अंगूठे या फिंगर किसी चीज़ की होगी, वो इससे ज़्यादातर ये बोन कटर यूज करेंगे, ये कटर है, ये बोन कटर है, ये भी ये मीडियम है, लार्ज में भी होंगे, एक्स इंस्ट्रूमेंट मतलब होंगे साइज में, ठीक है, और कुछ, हाँ ये प्लायर है, ये देखो ना, वो ये न्यूबलर है ना, और वो बिल्कुल जैसे जैसे लाइक लायर, देखो उसको, देखो आपने ये नहीं शेप नहीं देखनी, आपने आगे इनका मुंह देखना है, वो तो कटर, ये